एलडीए ने आजादी प्लान जारी कर दिया है। 13 अगस्त रात 12 बजे अलीम डार अकेडमी में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। 14 अगस्त शाम 7 बजे नेशनल हॉकी स्टेडियम में कॉन्सर्ट और फायरवर्क्स होगा। इस बारे में मजीद जानते हैं शेख जैनुल आबदीन से। शेख जैनुल आबदीन, बताइए आजादी के जश्न के हवाले से। भारतीय नवीन निजामी के जश्न आजादी की तकरीबात को हतमी शक्ल दे दी गई है और एलडीए ने आजादी प्लान जारी कर दिया है। इस प्लान के मुताबिक 13 अगस्त रात 12 बजे अलीम डार अकेडमी जौहर टाउन में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा और 14 अगस्त शाम 7 बजे नेशनल हॉकी स्टेडियम में कंसर्ट और फायरवर्क्स होगा। इसी तरह 14 अगस्त के दिन जो और मजीद इवेंट्स हैं वो शाम 7 बजे एलडीए स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जौहर टाउन में कंसर्ट और फायरवर्क्स, इसी तरह अलीम डार अकेडमी जौहर टाउन में भी क्रिकेट मैच का इनेकाद होगा जबकि हॉकी स्टेडियम जौहर टाउन में हॉकी का मैच होगा। 13 अगस्त रात 12 बजे 8 निजी सोसाइटियों में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा जिसमें रॉयल रेजिडेंशिया, अल कबीर टाउन, लेक सिटी, वलेंशिया, अल हफीज गार्डन, न्यू लाहौर सिटी, ग्रैंड एवेन्यू और अल रहमान गार्डन में आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा जबकि 14 अगस्त को 3 सोसाइटियों में आजादी कॉन्सर्ट का भी इनेकाद किया जाएगा जिसमें रॉयल रेजिडेंशिया, लेक सिटी और अल कबीर टाउन शामिल है। इस सिलसिले में इन तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल देने के बाद जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनको आगाह भी कर दिया गया है। शुक्रिया शेख जैनुल आबिदीन।